हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। त्योहार नजदीक आने के साथ ही शहर में से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी तेज हो गई है। नगर निगम और यातायात पुलिस की ओर से शनिवार को भी शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए संयुक्त कार्यवाही की गई। इस दौरान रास्ते में नो पार्किंग में खड़े कारें, दुपहिया वाहन और अतिक्रमण किए गए सामानों को हटवाया गया, साथ ही कई सामान और वाहन जब्त किए गए। नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी दीपक कनौजिया ने बताया कि नगर निगम ने पुलिस के साथ मिलकर शनिवार को भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। पावटा, नई सड़क, घंटा घर, जालोरी गेट, सिवाची गेट, 12वीं रोड चौराहा के आसपास के इलाकों से यातायात में बाधक अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान गन्ने की मशीनें, ठेले, होर्डिंग बोर्ड, यातायात में बंधित अन्य सामान को जब्त किया गया। निगम ने कई गाड़ी सामान जब्त किया। उन्होंने बताया कि इस तरह की कार्यवाही आगे निरंतर जारी रहेगी। यातायात पुलिस से CI गोवद्र धनराम, ASI राजेंद्र सिंह एवं ASI हिंदू सिंह मौजूद थे। उन्होंने बताया कि दीपावली और अन्य पर्व नजदीक आ रहे हैं, इसलिए शहर में यातायात में बाधक अतिक्रमण हटवाए जा रहे हैं। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।